हेलो बच्चों, आपका स्वागत है वेदांतु केमिस्ट्री में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये जो आपके सामने टेबल एक दिख रहा है, इस टेबल का नाम है पीरियोडिक टेबल, जिसको हिंदी में बोलते हैं आवर्त सारणी। तो इस सारणी में आपको अब तक जितने भी एलिमेंट हैं, जितने की डिस्कवरी हो चुकी, उस सारी मेहनत इसमें इस पीरियोडिक टेबल में आपको दिख रही है। मतलब ये आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर एक बच्चे को पता रहना चाहिए कि क्या है ये। तो इस पीरियोडिक टेबल में आपको बहुत सारे एलिमेंट दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हीलियम है, यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरिन, या इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट आपको सामने दिख रहे हैं। अब इस एलिमेंट में क्या है, मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटेलॉइड भी है, तीनों चीज़ें। तो आपको क्लासिफाइड करना है कि मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है और मेटेलॉइड कौन है। तो इसके लिए आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा, और उसके पहले हम लोग जान जाते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ नंबर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वैसे यहाँ पे 13, 14, ये सब क्या है, एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। मतलब अगर आप स्टार्टिंग करोगे तो फर्स्ट एटम इस पीरियडिक टेबल का ये है, सेकेंड एटम ये हीलियम है, थर्ड एटम यहाँ पे, फोर्थ एटम यहाँ पे, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से। इसमें जो ये वाला आपको ग्रुप दिख रहा है, ये वाला जो ऐसे आ रहा है, मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। तो इस सारे ग्रुप में ये जो है, जो पहला ग्रुप हाइड्रोजन वाला दिख रहा है, इस हाइड्रोजन वाले ग्रुप को, मतलब जो ए वाले पहले वाले लाइन में, जो आपको ये पहला वाला रो दिख रहा है, इस पहले वाले रो में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब क्या है, एल्कली मेटल हैं। और जो आपको दूसरा रो दिख रहा है, ये सारे क्या हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल हैं, ठीक। फिर आपको इधर जो दिख रहा है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, रेडान, ये सब क्या है, ये आपके गैसेस हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि बोलते हैं अक्रिय गैस, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस। तो ये है। फिर इधर क्या है, इस वाले ग्रुप में जैसे बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी क्या है, मतलब अक्रिय गैस का ये क्या मतलब होता है कि ये किसी भी दूसरे गैसे से या किसी भी अदर मेटल से रिएक्ट नहीं करते हैं, इनका जो ऑक्टेट होता है वो क्या होते हैं, कंप्लीट रहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग क्लासीफाइड करेंगे कि इसमें कौन सा चीज़ क्या है। और फिर आपको नीचे कुछ नंबर दिख रहे होंगे, जैसे यहाँ पे 4.0026 दिख रहा होगा, यहाँ पे 20.186 दिख रहा होगा, 18.998 दिख रहा है, 32.06 पे। तो ये क्या है, एटॉमिक मास है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि एटॉमिक मास क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है। एटॉमिक नंबर 2 होने का मतलब ये है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है, ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। किसी एटम का जो एटॉमिक नंबर है, अगर वो जितना रहेगा उसमें उतने इलेक्ट्रॉन और उसमें उतने क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। और ये जो आपको पीरियाडिक टेबल दिख रहा है, इस पीरियाडिक टेबल को किसने डिस्कवर किया था, मोजले ने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो इसमें हम लोग बहुत सारे चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेटल, और ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ए वाला ग्रुप, यहाँ पे बी से लेके इस साइड का जितने भी हैं, ये सब सारे क्या हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और ये सब जो हैं, ये दोनों ग्रुप, ए बॉक्स, ए ब्रॉक्स, ये पूरा बॉक्स वाले जो दोनों हैं, ये यस ब्लॉक के, और ये जो यहाँ से जिंक के नीचे से ये सब पूरे जो आपको बॉक्स दिख रहे हैं, ये सब क्या है, डी ब्लॉक के। और ये जो नीचे आपको दो दिख रहे हैं, दो ग्रुप, वो क्या है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। तो ये चीज़ आपको मैंने बता दिया। अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें से मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है। तो देखिए, आपको ये तो पता होगा कि गैस जो होती है वो नॉन मेटल होती है। तो आप जितने भी गैस के नाम सुने होंगे, सारे क्या होंगे, नॉन मेटल। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन देख लें, ऑक्सीजन देख लें, फ्लोरीन देख लें, क्लोरीन देख लें, ये सब क्या है, गैस है, ठीक। हीलियम गैस है, ठीक। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी क्या है, गैस है। तो ये सारे क्या है, नॉन मेटल, ये आपको पता हो गया, ठीक। आगे आपको अब क्या करना है, मेटल को कुछ पहचानने की। नॉन मेटल में सभी गैसें ही नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि सब गैस हैं, लेकिन आप जितने गैस के नाम सुनते हो उसको सबसे पहले, अगर आपके पास एग्जांपल है किसी गैस का, जैसे कि सल्फर, तो सल्फर आपका क्या है, एक तरीके का नॉन मेटल है। तो कैसे नॉन मेटल, अभी मैं कुछ क्लासिफाइड करने का आपको तरीका बताता हूँ, जो कि लगभग 100% तो नहीं, लेकिन 70% एलिमेंट पे, जो 70% एलिमेंट होंगे, उस 70% एलिमेंट पे ये जो तरीका है वो क्या करेगा, वर्क करेगा, ये आप मान के चलो। अभी देखते हैं वो तरीका क्या है, जिसमें भी आपका कोई भी अगर एलिमेंट है,
अगर उसमें मैंने 100% की बात नहीं की, 70% की बात कर रहा हूँ, जिसमें भी आपके लास्ट में IUM आते हैं, IUM, जिस भी एलिमेंट के लास्ट में IUM आते हैं, वो क्या होंगे, 70% चांस है कि वो आपके होंगे क्या, मेटल होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, लास्ट में IUM नहीं है, तो ये क्या है, ये आपका नॉन मेटल है, क्योंकि इसमें IUM नहीं आया। अब यहाँ पे देख लेते हैं हीलियम, तो हीलियम में IUM आ गया, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि क्या है, नॉन मेटल, आप सोच रहे होंगे इसको मेटल है, लेकिन ये नॉन मेटल है, क्योंकि ये गैस की फॉर्म में, ये आपको पता रहनी चाहिए। मैंने अभी क्या बताया, जितने भी गैस के फॉर्म में होंगे वो क्या होंगे, नॉन मेटल। तो हीलियम क्या होता है, गैस होता है, ठीक, इसमें IUM आया है। मैं आपको सॉलिड की बात बता रही हूँ, या लिक्विड के भी कुछ केस हो सकते हैं, लेकिन 70% में IUM ये वर्क करेगा। देखते हैं कैसे वर्क करता है IUM, तो उसको देखिए हम। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इधर लिथियम, ये क्या है, लिथियम, लिथियम में IUM आ गया, इसका मतलब भी मेटल है। बेरिलियम, इसमें क्या आ गया, IUM आ गया, तो ये भी क्या है, मेटल। फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो जिसमें भी आपका क्या आता है, लास्ट में न आता है, जैसे क्या हो गया, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब जिसमें लास्ट में मैक्सिमम में 70% में अगर क्या आता है, लास्ट में न आता है, मतलब एन आता है, एन हिंदी में बोले तो न, अगर ऐसा न आता है तो आप समझ जाइए कि वो क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे। तो मतलब आपका बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब क्या है, नॉन मेटल है, समझ गए। अब यहाँ पे आपको एल्युमिनियम दिख रहा है, इसमें IUM आ गया, IUM आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपका मेटल है। उसी तरीके सिलिकॉन, इसमें न आ गया, तो ये क्या है, ये आपका नॉन मेटल है। यहाँ पे फास्फोरस, इसमें न नहीं आया, लेकिन OUS है, तो इसको आपको मैंने बताया ना कि 70% पे वर्क करेगा। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन क्या है, एक गैस है, तो क्लोरीन में लास्ट में ना आगे इसके तो काम खत्म हो गया। और यहाँ पे सल्फर और फास्फोरस, तो सल्फर और फास्फोरस को आपको ध्यान रखना होगा कि ये क्या होते हैं, सल्फर और फास्फोरस जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। तो एक आध दो केसेस आपको मिलेंगे। फिर यहाँ पे देखते हैं गैलियम, यहाँ पे IUM आ गया, यहाँ पे गैलियम में IUM आ गया, तो ये क्या होगा, मेटल होगा, गैलियम क्या है, मेटल। यहाँ पे जर्मेनियम आ गया, जर्मेनियम एक तरीके से नॉन मेटल है, लेकिन ये दोनों तरीके से मतलब वर्क करता है, जैसे मेटेलॉइड होता है ना, उस तरीके से जर्मेनियम वर्क करता है। आर्सेनिक क्या है, आर्सेनिक आपका क्या है, आर्सेनिक का अगर एग्जाम्पल हम लोग देखें तो आर्सेनिक भी एक तरीके का मेटेलॉइड ही है, ठीक। फिर सेलेनियम भी एक आपका एक्सेप्शन ले सकते हो, जो कि नॉन मेटल होता है, सेलेनियम भी क्या है, नॉन मेटल। लेकिन ब्रोमीन आ गया, यहाँ पे न आ गया, तो न का मतलब ये क्या है, नॉन मेटल है। क्रिप्टान लास्ट में न आ गया, नॉन मेटल, ठीक। उसी तरीके से टीन लास्ट में क्या आ गया, न आ गया, तो नॉन मेटल, ठीक। टेलुरियम इसमें भी लास्ट में न आ गया, तो नॉन मेटल, यहाँ पे भी न आ गया, आयोडीन नॉन मेटल, जीनॉन लास्ट में न, नॉन मेटल, ठीक। पोलोनियम यहाँ पे देखिए, कुछ आपको केसेस में थोड़ा सा यहाँ पे देखने में थोड़ा दिख वो होगा, लेकिन देखिए यहाँ पे रेडॉन है, रेडॉन क्या है, नॉन मेटल। एस्टेटिन क्या है, नॉन मेटल। पोलोनियम क्या है, एक तरीके का मेटेलॉइड है, पोलोनियम क्या है, मेटेलॉइड। यहाँ पे IUM, ठीक, यहाँ पे जहाँ पे IUM है उसमें मेटेलॉइड भी कुछ कंडीशन में हो सकते हैं, लेकिन जितने भी मैक्सिमम न वाले हैं वो क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे। लेकिन इसमें भी कुछ न वाले जो नहीं है, जिसमें न नहीं है, उसमें भी कुछ एग्जाम्पल केसेस देख लेते हैं, जो कि क्या है, एक फास्फोरस का आप देख सकते हो, आपको फास्फोरस क्लियर कर लेना है, आपको सल्फर क्लियर कर लेना है, जिसमें कि न नहीं आ रहे, और ये सब क्या है, नॉन मेटल है। आर्सेनिक जो होता है ये क्या है, मेटेलॉइड है। सेलिनियम क्या है, नॉन मेटल, तो इसमें भी आपको ये वाला एग्जाम्पल याद कर लेना है, ठीक। फिर ब्रोमीन, क्रिप्टान, एंटीमनी, टेलुरियम, आयोडीन, और ये हो गया। फिर इसके बाद एस्टेटिन और एडान, मतलब आपको तीन एग्जाम्पल केवल याद करने हैं, जो कि नॉन मेटल हैं, जो कि क्या आ रहा है, न जिसमें नहीं आ रहा है। तो फास्फोरस को एक याद कर लो आप, एक क्या कर लो, सल्फर को याद कर लो, और एक सेलिनियम, ये तीन को अगर याद कर लोगे कि ये तीनों क्या है, नॉन मेटल है, जिसमें लास्ट में न नहीं आ रहा है, तो आपका नॉन मेटल का जो कन्फ्यूजन रहेगा वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक। बाकी जितने भी में न लास्ट में आते हैं, आज समझ जाओ कि वो क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे। उसी तरीके से अब मेटल के बारे में देख लेते हैं, तो मेटल के लास्ट में मैंने क्या बताया, IUM, तो इसमें क्या है, IUM सब में आ ही रहे हैं,
इस वाले ग्रुप में, इस वाले ग्रुप में, तो इसका काम खत्म हो गया। अब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, मैग्नीज बच्चे जानते हैं कि मैग्नीज आयरन, आयरन को क्या बोलते हैं, लोहा बोलते हैं। कोबाल्ट, कोबाल्ट भी आप लोग जानते हो। निकिल, कॉपर, जिंक, ये सब आप जानते हो कि क्या है, एक तरीके का मेटल है, जो कि आपको पता होगा। ये सब एग्जांपल नॉर्मल है, आप लोग इसके बारे में याद कर सकते हो, जैसे मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। इतना आपको ध्यान रखना है कि जो कि वर्क नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए न दिख दिया, कोबाल्ट में टी दिख दिया, लेकिन फिर इसके बावजूद भी अगर नीचे वाले ग्रुप को देखें हम लोग, तो यहाँ पे इट्रियम दिख रहा है, जर्कोनियम दिख रहा है, नेब्लोडियम दिख रहा है, मॉलिब्डेनम दिख रहा है, जिसमें भी क्या दिख रहा है, यम दिख रहा है, वो सब क्या है, देखिए यहाँ पे पैलेडियम, रूबिडियम, ये सब क्या है, मेटल है, क्योंकि आई ओ यम आपको दिख रहा है। यहाँ पे सिल्वर, सिल्वर में आपको आई ओ यू नहीं दिख रहा है, लेकिन सिल्वर का जो नाम होता है, जो लैटिन नेम होता है, वो कुछ और होता है, तो उसके अनुसार उसमें आई ओ यम लिखा रहता है। कैडमियम, कैडमियम में भी आई ओ यम है, ठीक ना। या ऐसे आपको नॉर्मल भी, तो ये भी तो पता है कि जो चांदी होता है वो एक मेटल है, तो इस तरीके से आप इसको भी क्लासीफाइड कर सकते हैं। फिर उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, ल्यूटेनियम, हाफमियम, टाइटेलियम, टंगस्टन, ये सब क्या है, एक तरीके का क्या है, ये भी मेटल, मतलब इसमें आई यू एम, आई यू एम आपको सब दिख रहा है। प्लेटिनम, ठीक, इंडियम यहाँ पे दिख रहा है, गोल्ड, मरकरी, थैलियम, ये सब क्या है, ये सब आपके क्या है, मेटल है। लेड, लेड को आप जानते हो, लेड क्या होता है, लेड का मतलब जिसका कि हम लोग जैसे किसी तार को जोड़ने का वर्क करता है, वहाँ पे लेट। फिर यहाँ पे बिस्मथ है, बिस्मथ भी क्या है, एक मेटल है। तो आप इसको थोड़ा याद कर लो और इस लेट को याद कर लो, बाकी यहाँ पे हो जाएगा। मरकरी को आप लोग जानते ही हो कि मरकरी क्या है, मरकरी एक ऐसे मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये आपको समझ जाना है। फिर इसके नीचे जिसमें यू यू एम वाले में आपको नहीं दिक्कत है, यू यू एम में जो भी आपको दिखेगा सब आपका क्या है, सब आप समझ सकते हो कि ये सब मेटल ही है। यहाँ पे आई यू एम, आई यू एम, आई यू एम, सब में आई यू एम आपको कॉमन दिखेगा, ठीक। तो आपको यहाँ से समझ लेना। फिर हम लोग लेंथेनाइड सीरीज में आ सकते, तो इसमें भी आई यू एम, आई यू एम, आई यू एम, आई यू एम, सब में दिख रहा है ना आपको, आई यू एम सब में, एक तरफ से आई यू एम, मतलब आपको मैक्सिमम केसेस में समझ जाना कि जिसमें आई यू एम है वो क्या है, मैक्सिमम मेटल होंगे। कुछ में कन्फ्यूजन है जिसका आप नाम पहले से सुने हो, जैसे कि आप आयरन को जानते हो कि ये मेटल होता है, कोबाल्ट को जानते हो मेटल होता है, निकिल को जानते हो मेटल होता है, तो ये सब नॉर्मल केसेस हैं। बाकी जिसमें भी आपको आई यू एम आपको दिखता है, तुरंत आप उसको क्लासीफाइड कर दीजिए कि ये मेटल है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, पीरियाडिक टेबल में मेटल और नॉन मेटल को क्लासीफाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। कुछ में आपको हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, इसमें सब में न आ ही रहा है, तो ये क्या आ गया, नॉन मेटल हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग ईजी तरीके से इसको क्लासीफाइड कर सकते हैं, क्लियर है। तो आप अगर ऐसे याद कर लिए, फिर आपको अगर 24, अगर आपको जैसे कि कुछ एलिमेंट के नाम जैसे याद करने हैं, तो वो कैसे याद कर सकते हैं, जैसे कि इसको याद करना है, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जैसे आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होती है। इस वाले ब्लॉक को जो यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है, ये क्या है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ठीक। यहाँ से यहाँ तक जो आपको ग्रुप दिख रहा है, यहाँ से ये क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये जो दोनों हैं, ये दोनों, ये क्या है, यस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, यस ब्लॉक के। और डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब क्या हैं, आपको अगर ऐसे नहीं, अगर आपके सामने कोई पीरियाडिक टेबल डालिए, तो आपको कैसे क्लासिफाइड करेंगे कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को क्या करेंगे, नॉन मेटल मान लेंगे, ठीक। फिर हाइड्रोजन को नॉन मेटल के बाद आप क्या करेंगे, एक कार्बन आपको दिख रहा है, एक कार्बन दिख रहा है, तो कार्बन से जाएंगे, फिर एक एक डब्बा आप पीछे चले जाएंगे, एक एक डब्बा आप पीछे चले जाएंगे, ठीक। एक एक डब्बा आप क्या करेंगे, पीछे होते जाएंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, इसके पीछे का ये जितने एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये पीछे का, ये सारे क्या हैं, इसके पीछे का जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, नॉन मेटल। आपको समझ जाना, जैसे आपके सामने कोई पीरियाडिक टेबल आ गया, तो ये जो डब्बा बनाए उसके पीछे का जितने भी है क्या है, नॉन मेटल। अब आ गया ये वाला, तो ये वाला जो आपका बोरान है, बोरान, फिर सिलिकॉन है, फिर सिलिकॉन के बाद आप क्या करोगे, जर्मेनियम, आर्सेनिक, जर्मेनियम, आर्सेनिक, फिर यसबी, एंटीमनी और टाइटेनियम, और फिर इसके बाद पोलोडियम और एस्टेटिन, ये सारे क्या है, मेटेलॉइड हैं, ये सारे क्या है, मेटेलॉइड। इसके अलावा आपके पीरियाडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं सब क्या है, नॉन मेटल हैं, अरे सब क्या है, सॉरी, सब क्या है, मेटल हैं,
समझ गए। तो आपको इससे एक एक डब्बा पीछे जाना है, फिर आपको पहला डब्बा लेना है, दूसरा डब्बा, फिर बाकी सभी दो दो डब्बा पीछे होते होते ले लेना है। फिर इसी तरीके से इसके बाद सारे जितने बचेंगे वो क्या होंगे जाएंगे, मेटल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप पीरियाडिक टेबल में देख के बता सकते हैं। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, मेटल और नॉन मेटल की। आप अब अपने एग्जाम में अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, तो आप तुरंत उसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और अगर आपको ऐसे याद करना है सिंपल ट्रिक में, जैसे कि यहाँ पे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, रेडान, इसको क्या बोलते हैं, हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, ऐसे तुरंत याद कर सकते हो। ठीक, जैसे कि यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी पो, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, इस वाले सीरीज को ऐसे याद कर सकते हो। इसको याद कर सकते हो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यहाँ पे लिख सकते हो हलीना की रफ से फरियाद, इस ग्रुप को ऐसे याद कर सकते हो। ठीक, इसको ऐसे बोल सकते हो सक्री वक्र मन फीको निकुजन, इस वाले को ऐसे ही याद कर सकते हो। तो ये आपको याद करने के छोटे छोटे ट्रिक हैं, ऐसे आप याद कर सकते हो। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार एंट्री की है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।